हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल स्टोरी हंगर को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आसमान में चांद की रोशनी बिखरी हुई थी। बसंत का मौसम होने के कारण पेड़ पौधे भी बहुत हरे भरे खूबसूरत नजर आ रहे थे। रश्मि और निहारिका दोनों आधी रात के वक्त सोसाइटी कंपाउंड में बैठी बातें कर रही थी। उस वक्त निहारिका के हाथों में किताब थी। यह क्या निहारिका, हर वक्त कोई ना कोई बुक पढ़ती रहती हो? अरे पढ़ने में जो आनंद मिलता है ना, वो मोबाइल में कहाँ। जैसे तुम मोबाइल के बिना नहीं रह सकती ना, वैसे ही मैं किताब के बिना नहीं रह सकती। तुम गलत कह रही हो निहारिका, जो मजा किसी चीज़ को विजुअल देखने में है ना, वो पढ़ने में नहीं। पढ़कर जो प्यार, रोमांस, डर, सस्पेंस को फील किया जा सकता है ना, वो देखकर नहीं। तुझसे कोई नहीं जीत पाया है तो मैं कहाँ से जीतूंगी। उन दोनों की नज़र एक किताब के ऊपर पड़ी जिस पर गोल्डन कलर का कवर था। कवर के ऊपर एक अजीब सी आकृति बनी हुई थी। निहारिका उस किताब को उठाने के लिए झुकी ही थी कि रश्मि ने उसे रोक लिया। तू भी यार, क्या अब रास्ते से किताब उठाने लगेगी क्या? घर चल। रश्मि के कहने पर निहारिका उस किताब को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगी। मगर ना जाने उस किताब में ऐसा क्या आकर्षण था कि निहारिका मुड़ मुड़ कर उसे देख रही थी। तभी उस किताब पर बनी हुई आकृति चमकने लगी। अगले दिन जब निहारिका सोकर उठी तो वह किताब उसकी पलंग पर थी। यह देख निहारिका बहुत हैरान हो गई। उसने बाद में पढ़ने के लिए उस किताब को उठाकर अपनी बुक सेल्फ में रख दिया। अपने रोज के काम को करने लगी। तभी उसके फ़ोन पर रश्मि का फ़ोन आया। क्या बात है रश्मि, अभी कल रात को तो मेरे साथ ही थी, अब सुबह सुबह क्या काम आ गया तुझे? नहीं पता क्या, कौन सी दुनिया में रहती है, पूरी सोसाइटी में हड़कंप मचा हुआ है। रात को सोसाइटी के चौकीदार की मौत हो गई। यह क्या बोल रही है तू, देर रात तक तो हम लोग ही सोसाइटी कंपाउंड में थे, तब तक तो कुछ भी नहीं हुआ था। वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लोग कह रहे हैं 2 बजे के करीब उसकी मौत हुई। अच्छा हुआ हम लोग समय पर घर आ गए। उसकी मौत को लेकर कई लोग कई सारे बातें बना रहे हैं, उसका पूरा शरीर सफ़ेद हो गया था। रश्मि तुझे वह किताब याद है? कहते हुए निहारिका रश्मि को उस किताब के बारे में बताने वाली थी। तभी रश्मि के घर की घंटी बजी और रश्मि ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रख कर निहारिका वापस पलटी तो वह किताब उसके पीछे ही थी। अरे इस किताब को मैंने तो बुक सेल्फ में रखा था, यहाँ पर कैसे आ गई? वो किताब को उठाकर देखने लगी तो उसके अक्षरों में हलचल हो रही थी। निहारिका को यह बहुत ही अजीब लगा। वह सम्मोहित हो उस किताब को पढ़ने लगी। उस किताब के काले अक्षर अब धीरे धीरे लाल हो रहे थे और देखते ही देखते निहारिका का शरीर सफ़ेद और निस्तेज हो गया। शाम को जब निहारिका का पति घर लौटा तो बहुत देर तक घंटी बजाने पर भी निहारिका ने दरवाज़ा नहीं खोला। अरे यह निहारिका को क्या हो गया है, लगता है कहीं गई होगी। यही सोचते हुए उसने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला। सामने निहारिका की लाश पड़ी हुई थी। निहारिका यह क्या हो गया तुम्हें, किसने तुम्हारा यह हाल कर दिया? उसकी चीख सुनकर सोसाइटी के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और सभी आपस में बातें करने लगे। हमारी सोसाइटी को बने हुए 10 साल हो गए हैं मगर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मगर पिछले 24 घंटों में न जाने इसकी नज़र लग गई हमारी सोसाइटी को। तभी रश्मि वहाँ पर आ जाती है और उसे निहारिका की लाश से थोड़ी दूर वह किताब दिखाई देती है। वो पहले तो हैरानी से उस किताब को देखने लगती है, फिर चुपचाप उसे उठाकर अपने पास रख लेती है। रात को वह किताब अपनी अलमारी में रख देती है। आधी रात के वक्त उस अलमारी का दरवाज़ा बजने लगता है। इस वक्त दरवाजे पर कौन है और वह घंटी बजाने की बजाय दरवाज़ा क्यों बजा रहा है? सोचते हुए रश्मि दरवाज़ा खोलने जा रही थी कि अचानक उस अलमीरा का दरवाज़ा खुल गया और उसमें से किताब निकलकर बाहर आया। वह किताब उसके पास उड़ रही थी। कौन है, कौन है यहाँ पर? देखो जो कोई भी है मेरे सामने आओ, मुझे डराने की कोशिश मत करो। रश्मि के कहने पर देखते ही देखते वह किताब बड़ी हो गई और उस पर बना हुआ अजीब सा फेस बोलने लगा, मुझे वापस मेरी जगह पर छोड़ कर आओ वरना हर जगह सिर्फ तबाही होगी। जो कोई भी इस किताब को अपने पास रखेगा या पढ़ेगा उसकी मौत निश्चित है। इस किताब को वापस उसी जगह पर छोड़ दो, इसे छोड़ आओ। अजीब सी आवाज़ सुनकर रश्मि डर कर उठ गई। वो पूरी तरह पसीने से तरबतर हो गई।
उसने वह अलमीरा खोल कर देखा तो किताब वही सामने थी और उस पर बना हुआ फेस मुस्कुरा रहा था। डरते हुए रश्मि ने तुरंत अलमीरा बंद कर दी। अगले दिन सुबह रश्मि उस किताब को लेकर मंदिर जाने लगी तो वह किताब मंदिर के भीतर जाने के बजाय उसके हाथ में से हवा में उड़ने लगी। ये क्या हो रहा है, कौन लाया ये किताब उड़ती हुई? किताब देखकर वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी पंडित जी अपने हाथ में गंगा जल और एक लाल कपड़ा लेकर मंदिर से बाहर आए। उन्होंने तुरंत बुक पर गंगा जल डाला और फिर उस पर लाल कपड़ा डाल उन्होंने उसे उठा लिया। बेटा, इसे कहां से उठा कर ले आई हो, क्या है ये? पंडित जी के पूछने पर रश्मि ने उन्हें सारी कहानी सुना दी। बेटा, अब इसका रहस्य तो इस किताब को पढ़ने से ही पता चलेगा। उस सपने का क्या जिसमें मैंने देखा था कि इस किताब को पढ़ने वाले की मृत्यु निश्चित है? बेटा, ऐसे तो यह किताब ना जाने कितने लोगों का विनाश करेगी। इसे नष्ट करने का उपाय मुझे इसी के अंदर मिलेगा। तुम निश्चित रहो, लोगों की भलाई करने के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे मंजूर है। कल सुबह तुम मुझे मंदिर प्रांगण में ही मिलना, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। पंडित जी को वह किताब देकर रश्मि अपने घर आ गई। अब उसे सुबह का इंतजार था। अगली सुबह जब वह मंदिर में पहुंची तो वहां भीड़ इकट्ठा थी। कल रात ही पंडित जी की मौत हो चुकी थी। वह भागकर उनके कमरे में गई तो वहां पर किताब और एक खत मिली। बेटा रश्मि, तुम्हें जब तक यह खत मिलेगा शायद हम मर चुके होंगे। इस किताब को नष्ट करने का केवल एक ही उपाय है। आने वाली पूर्णिमा को 100 साल के बाद धरती, सूर्य, चंद्रमा सभी एक रेखा में होंगे। तब रात के 12 बजे बीच जंगल में गड्ढा खोदकर इसे दफना देना और पीछे मुड़कर मत देखना। इस कार्य में बहुत बाधा है, अपना ध्यान रखना। तब तक इस किताब को लाल कपड़े से बांध कर रखना। पंडित जी के कहे अनुसार रश्मि उस किताब को संभाल कर रखती है और फिर पूर्णिमा की रात में वह उस किताब को लेकर जंगल में चली जाती है। पंडित जी के कहे अनुसार वह गड्ढा खोदने लगती है मगर उसके पैर भी जमीन में धंसने लगते हैं। बचाओ बचाओ, कोई है, हेल्प, भगवान, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, प्रभु कहते हुए वो ओम नमः शिवाय का जप करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मगर फिर भी वह जमीन में धंसती जा रही थी। उसने अपना काम जारी रखा और उस किताब को उस गड्ढे में डाल दिया। जैसे जैसे वह उस किताब को मिट्टी डाल रही थी वो ऊपर आने लगी। उसने किताब को अपने साथ लाया हुआ पीपल का पौधा उस किताब पर लगा दिया और तुम हमेशा के लिए इस धरती के भीतर शांति से रहना, यह कहते हुए उसने गड्ढे को बंद कर दिया। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी हंगर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।